बिना घोड़े का रास्ता अगर आपको लेना है तो ताराकोट मार्ग एक नया खुला है, और साथ में वहां पे आप अपने पैसे भी बचा सकते हो। और अब दूसरा भी ऑप्शन आ गया है ट्रॉली का, वो जो ऐसे आपने वो केदारनाथ मूवी में देखा होगा, वो सुशांत जो ऐसे पीछे लगा के घूमता है, लेकिन अब वो बंद हो गए। और अब जब पैसों की बात आ रही है तो एक बार ट्रेन की टिकट का पैसा और जो डोरमेट्री का है। हमारे शिव पार्वती भोजन ग्रहण करेंगे। है पार्वती माँ। तो आप सभी को नमस्कार, सुई शस्वाल यूट्यूब चैनल माँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतने बढ़िया हिमालय दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ। बड़े दिनों बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में हमारे दाई साइड यहाँ बिल्कुल एक चोटी दिख रही है आपको, ये भैरवगढ़ी मंदिर की चोटी है। तो आज हम तीनों यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम अभी कुछ हफ्ते पहले ही वैष्णो देवी मंदिर गए थे, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि उनको भी वहाँ जाना है मंदिर में, और वहाँ जाने का क्या प्रोसीजर है और वहाँ कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए आज हम एक डिटेल्ड वीडियो बना रहे थे कि अगर कोई भी नया इंसान है जो वहाँ जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, तो कैसे जा सकता है। और मतलब हम भी वही बताएंगे जो हमें एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी को इससे भी अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे ना किसी को, मतलब ये बोल रहे कि हमें सब कुछ ही पता है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो ये जो हमारी वैष्णो देवी की यात्रा है, ये शुरू होती है 2003 या 4 से। उस टाइम पे हम पहली बार गए थे, और उस टाइम के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी साल नहीं गए हैं वैष्णो देवी मंदिर। बस एक कोविड का पीरियड छोड़ के, 2 साल छोड़ के, बाकी हर साल हम वैष्णो देवी गए हैं। हाँ। और कहीं जाए ना जाए वैष्णो देवी जाते थे। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पापा बताएंगे कि आपने टिकट कैसे कैसे बुक कराते हो आप। ट्रेन के टिकट तो ऑनलाइन ही कराते हैं IRCTC से। तो जो इधर से जो ट्रेन जाती है हमारे आसपास से, हरिद्वार से जाती है एक तो कटरा हेमकुंड एक्सप्रेस, और एक निजामाबाद से भी जाती है कोलकाता एक्सप्रेस, जिसे सियालदह एक्सप्रेस भी बोलते हैं, लेकिन वो अधिकतर कोलकाता से आते हुए ज़्यादातर लेट रहती है, इसलिए हम उसको प्रीफर नहीं करते जाने के लिए। और इस कोलकाता एक्सप्रेस के 3 नाम है, एक तो कोलकाता एक्सप्रेस हो गया, एक सियालदह जो पापा ने बताया, और एक तीसरा नाम भी है जम्मू तवी। तो 3 नाम है उस ट्रेन के। तो इसलिए हम लोगों को तो ये 2 ट्रेन पता है, एक कोलकाता एक्सप्रेस और एक हेमकुंड एक्सप्रेस। इसके बाद आप ऑनलाइन और क्या क्या कराते हो वहाँ बुक करने के लिए। एक हम वहाँ पर जो डॉर्मेट्री या रूम है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उसमें भी हम, या तो रूम तो बहुत कम मिलता है क्योंकि 2-3 कमरे रहते हैं, वो एकदम से फुल हो जाते हैं। बाकी डॉर्मेट्री मिलने की संभावना रहती है ऊपर अर्धकुमारी में और भवन में, लेकिन भवन में तो 85 बेड हैं, वो भी बहुत मुश्किल होते हैं मिलने। अर्धकुमारी में मिल जाते हैं, तो अर्धकुमारी में हम अक्सर अर्धकुमारी में ही करते हैं बुक। तो जो रेलवे का टिकट है वो तो 4 महीने पहले बुक कर सकते हैं, लेकिन जो ये डॉर्मेट्री या रूम बुक करते हैं श्राइन बोर्ड के, वो केवल 2 महीने पहले ही खुलते हैं उसकी। मतलब अगर आपको दिसंबर में दर्शन करने हैं तो आपको 2 महीने पहले, मतलब अक्टूबर में आपको वहाँ पे डॉर्मेट्री बुक करानी पड़ेगी। अच्छा, वैसे चलो ये तो वो हो गया कि आप लोग हो ऐसे कि जो 2 महीने पहले करा रहे हो, पर जैसे हम लोग हैं जो एकदम प्लान बनता है और एकदम चले गए, तो फिर उनके लिए कटरा में एक वो है निहारी का भवन है बस अड्डे के पास, वहाँ पे भी बुकिंग होती है इन डॉर्मेट्री रूम की। वहाँ पे मतलब चांस है कि मिलने को मिल भी सकता है, पर कोई कंफर्म नहीं है वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो हम सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको, ये सब हम सबसे सस्ता बता रहे हैं कि आप सस्ते में वैष्णो देवी पहुँच जाओ, सस्ते में आप रूम कर लो, वरना महंगे वाले हिसाब तो बहुत हैं। और अब जब पैसों की बात आ रही है तो एक बार टिकट का, ट्रेन की टिकट का पैसा और जो डॉर्मेट्री का है, इन सब का पैसा भी हल्का हल्का बता दो जल्दी से। तो जो ट्रेन का टिकट है जो हरिद्वार से हो 1000+ रुपये का है 3 AC का, और अगर स्लीपर में जाना है तो 350 के करीब है, और सेकंड AC का 1400-1500 रुपये है हरिद्वार से। तो जो भवन और अर्धकुमारी है वहाँ पे 120 रुपये पर मेंबर पर बेड मिलता है वहाँ पे डॉर्मेट्री में। अगर रूम है तो वो मतलब 800-900 का भी मिलता है, 1400-1500 का भी मिलता है, अलग अलग रेट है रूम के। कटरा या जम्मू में अगर कोई रुकना चाहे श्राइन बोर्ड की धर्मशाला में, तो वहाँ पे 100 रुपये बेड है। अब आते हैं मेन बात, जो यात्रा पास है, क्योंकि इस बार जब हम गए थे तो यात्रा पास के लिए बहुत लंबी लाइन थी, और बहुत लोग बोल रहे थे कि आप ऑनलाइन करा लेते तो आपको इतने लंबी लाइन में ना लगना पड़ता, तो वो ऑनलाइन की बात बता दो एक बार। तो ऑनलाइन भी हमने उसी साइट से करी जिस साइट से डॉर्मेट्री करी थी, ऑनलाइन यात्रा पर्ची, लेकिन उसको उन्होंने माना नहीं, और उन्होंने अलग से जो भी जितने भी थे वो सब लाइन में ही लग रहे थे। कई लोगों ने यात्रा पर्ची ला रखे थे, उन्होंने माना नहीं, उन्होंने हमारी फ़ोटो खींची, नाम और पिन कोड पूछा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, और उसी के बेस पे हमें यात्रा पास अलाउ हुआ। जब हमारी यात्रा ख़त्म हुई तो लास्ट में हमारा यात्रा पास वापस ले लिया गया। आईडी कार्ड था, मतलब जैसे वो ऑफिस जाते हो ना आप, तो ऑफिस में एक आईडी कार्ड होता है सबके गले में, तो सेम वैसे ही था। अब मेन जो चीज़ है, हम अपना रूट मैप बताते हैं आपको
कि हम लोग जब कटरा पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम कौन कौन से मंदिर का पहले दर्शन करते हैं और फिर कैसे हम भवन के दर्शन करके वापस कटरा आते हैं। जब भी हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं कटरा में, तो सबसे पहले अगर आपका एक्स्ट्रा सामान है तो रेलवे स्टेशन में ही आप जमा कर दो क्लॉक रूम में। अगर आपको जल्दी यात्रा करनी है तो आप सीधे वहां से ऑटो करो और दर्शनी गेट तक चले जाओ, और दर्शनी गेट से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। एक सेकंड, रेलवे स्टेशन से दर्शनी गेट लगभग 4 किलोमीटर है। उसके बाद पैदल यात्रा शुरू होती है दर्शनी गेट से। एक सफेद रंग का जो होता है, आपने देखा होगा, ब्लॉग में भी देखा होगा, फोटोज में भी देखा होगा, वहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। वहां से आपको घोड़े ही मिलेंगे, वहां से आपको पालकी वाले ही मिलेंगे, और पहले पिट्ठू होता था वो, जो ऐसे आपने केदारनाथ मूवी में देखा होगा, सुशांत जो ऐसे पीछे लगा के घूमता है, लेकिन अब वो बंद हो गए। अब उसकी जगह ट्रॉली है। हाँ, ट्रॉली, छोटे बच्चों की ट्रॉली नहीं होती, वो हो गई स्टार्ट। हाँ, तो ट्रॉली, बच्चों को ट्रॉली में ले जाते हैं और सामान भी ले जाते हैं। पहले बच्चों को उठा के ले जाते थे, उठा के ले जाते थे वो बैग में पकड़ के। अब दर्शनी गेट से फिर आगे, जैसे ही आप दर्शनी गेट जाओगे तो सबसे पहले आपको बाणगंगा मिलेगा। उसके बाद मतलब आप बाणगंगा में आपका मन चाहे तो आप स्नान भी कर सकते हैं। और जो ये बाणगंगा है, ये दर्शनी गेट से लगभग 200 मीटर पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। फिर बाणगंगा से आगे आता है गीता भवन, जैसे हमें बता रही है, वो लगभग 1 किलोमीटर आगे है बाणगंगा से। फिर उसके लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आता है चरण पादुका। तो चरण पादुका के बाद लगभग 4 किलोमीटर बाद एक डायवर्जन आता है। एक सड़क जाती है भवन के लिए और एक सड़क जाती है अर्धकुमारी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भवन वाला रास्ता लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही सीधा है, वो उसमें चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। और अर्धकुमारी से भी भवन का रास्ता है, लेकिन वो भैरव मंदिर होते हुए और वो बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो उसमें बहुत आफत आती है, बहुत थकान लगती है। तो इसलिए हम वो जो डायवर्जन आता है वहाँ से हम सीधे चले जाते हैं भवन, और उस डायवर्जन से भवन लगभग 5-5.5 किलोमीटर है। जैसे भवन में एंट्री होती है तो सबसे पहले प्रसाद की दुकान है और उसके दाई तरफ क्लॉक रूम है। तो हम अपना सारा सामान क्लॉक रूम में जमा कर देते हैं और प्रसाद लेके, और अपना जो भी नहाने वाने कपड़े हैं वो स्नान घर में, वहाँ पे लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग स्थान बने हुए हैं, आप वहाँ पे नहाइए और उसके बाद नहाने के बाद आप अपने दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। वैष्णो माता में प्रसाद होता है, वो उनका अपना प्रसादालय है, उसी में से प्रसाद लेना है। और वहाँ पे 3 टाइप के ही प्रसाद होते हैं, मैक्सिमम वहाँ पे जो है 70 रुपये का प्रसाद मिलता है, इससे महंगा कोई नहीं है। अच्छा, सबसे महंगा 70 रुपये? अच्छा, क्या बात है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, किसी को भी वहीं से ही प्रसाद लेना चाहिए और वही प्रसाद मंदिर में चढ़ता है। अगर आप अपना प्रसाद लेके जाओगे या कोई दूसरा ले जाओगे तो वो नहीं चढ़ता, मतलब वहाँ पे छत्र वगैरह चढ़ा सकते हो आप, लेकिन बाकी कुछ भी आप नहीं ले जा सकते। इसके अलावा मंदिर के परिसर में जब आप लाइन में लगोगे तो आपको अपने साथ मोबाइल, बेल्ट, पर्स, कंघी, मतलब ऐसे कुछ भी सामान नहीं ले जाना, केवल पैसे ले जा सकते हो आप, बाकी कुछ नहीं लेके जाना, वरना आपको आधी लाइन से बाहर कर देंगे। तो महंगी चीज़ होगी तो बाहर कर देंगे, और अगर थोड़ी सस्ती चीज़ होगी तो वहीं निकाल के वहीं फेंक देंगे उसको। बोलेंगे चलो आगे बढ़ो अब। फिर वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद आता है भैरव भगवान के दर्शन करने का समय। तो दो रास्ते हैं वहाँ जाने के, 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, तो या तो आप पैदल जा सकते हो, और अब दूसरा भी ऑप्शन आ गया है ट्रॉली का, तो ट्रॉली में भी बैठ के जा सकते हो आप। उसका किराया कितना है ट्रॉली का? 100 रुपए पहले थे, पर अब 200 बोल रहे थे लोग। जब हम 2019 में गए थे उस समय तो 100 रुपए था आना जाना उसका, लेकिन इस बार हम जा नहीं पाए इसलिए इस बार हमें पता नहीं चला कि कितना था। अब हो सकता है जब बढ़ भी गया होगा। इसके अलावा एक और जानकारी थी, अगर किसी को सुबह और शाम जो माता की आरती होती है अगर उसमें भी बैठना है, जो वैष्णो माता की आरती तो जो नेचुरल गुफा के ठीक सामने होती है, सुबह शाम की आरती होती है, उसका जो चार्जेज है वो 2000 रुपए पर हेड है। और अच्छा? और उसको भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और वहाँ जाके भी बुक कर सकते हो। आप लोगों ने कितनी बार आरती करी है? हमने तो एक ही बार करी है, सुबह की आरती करी है। कितने टाइम पहले बुकिंग करा ली थी? वहीं जाके कराई या पहले करा रखी थी? नहीं, हमने ऑनलाइन करा ली, हमने ऑनलाइन कराई थी। क्या लगता है, मतलब अगर वहीं जाके करेंगे मिल जाती है? पर जैसे नवरात्रों में नहीं मिल पाएगी, जैसे वैसे पर्वों के दिन है उसमें मुश्किल है, पर जो भी है मतलब 2000 का टिकट है। उसके बाद हमने आपको भैरव तक का तो बता दिया रास्ता, फिर भैरव के दर्शन भी बहुत आराम से हो जाते हैं, बहुत जल्दी जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अर्धकुमारी, वही भैरव से एक रास्ता है जो बिल्कुल ढलान वाला है, बीच में हाथीमत्था भी आता है एक जगह, और साई छत भी आता है जहाँ हेलीपैड बना हुआ है। और भैरव से अर्धकुमारी लगभग 6 किलोमीटर है। फिर हम अर्धकुमारी पहुँचते हैं, अर्धकुमारी में हमारा स्टे वहीं, मोस्टली हम वहीं पे ही स्टे करते हैं अर्धकुमारी में सारे दर्शन करने के बाद। और उस डॉर्मेट्री का नाम क्या है? शैलपुत्री भवन। फिर डॉर्मेट्री में रहने के बाद अगले दिन सुबह हम अर्धकुमारी के दर्शन करते हैं, और वहाँ पे जो गुफा है जिसको लोग मानते हैं उस गुफा को, तो उसमें दर्शन करने के भी एक बार बता दो कैसे कर सकते हैं। अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए जो मेन गेट है उसके बाईं साइड गर्भजून पर्ची कक्ष है, उस पर्ची से ही आपको
जो नेचुरल गुफा है उसके दर्शन होंगे। इस पर्ची के लेने के बाद आपको कम से कम 7-8 घंटे का टाइम लगेगा, और अगर आपको गुफा के दर्शन नहीं करने तो आपको कोई पर्ची लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो हम भी क्या करते हैं ना, हम भी अब गुफा के दर्शन नहीं करते, हम भी डायरेक्ट अब मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर हम वापस नीचे कटरा को चले जाते हैं। तो ये हमारा रूट मैप था, इस तरीके से हम दर्शन करते हैं। बहुत लोगों का अलग भी होता है, लेकिन हमारा ये था। एक दर्शन करने का एक और तरीका है, ये तो हमने आपको पैदल वाला रास्ता बता दिया। एक दर्शन करने का और तरीका है हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको हेलीपैड मिलेंगे और कितना कितना चलना पड़ेगा उसमें, वो बता दो। हेलीपैड से तो कटरा से चलता है सांझी छत तक, वो लगभग 1800-1900 का उसका टिकट है एक साइड का, और सांझी छत से फिर जो भवन है वो लगभग 2 किलोमीटर के करीब है। तो मतलब आपको हेलीकॉप्टर आपको कटरा से ले जाएगा सांझी छत, सांझी छत छोड़ेगा और सांझी छत से 2 किलोमीटर और है। ऐसा नहीं है कि जैसे केदारनाथ में बिल्कुल वही छोड़ देता है, वो मंदिर में ही छोड़ता है बिल्कुल। तो आप ऐसा नहीं है, पैदल भी कर सकते हो और घोड़े से भी कर सकते हो। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बतानी थी हमने बता दी है। अब एक चीज और बताना चाह रहे थे बस, कि अगर आपको कटरा से भवन के दर्शन ऐसे रास्ते पे करने हैं जहाँ पे घोड़े ना मिले आपको, तो एक नया रास्ता बना रखा है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वालों ने, वो कटरा से ताराकोट मार्ग बोलते हैं उसे। हाँ, तो वो 6.5 किलोमीटर के करीब है, थोड़ा लंबा है मतलब थोड़ा सा, उससे आप सीधा अर्धकुमारी में मिलेंगे और वहाँ से फिर जो भवन का रास्ता है वो भी बिना घोड़ों वाला है। तो अगर किसी को घोड़ों से एलर्जी है तो वो इस रास्ते को यूज कर सकते हैं। तो सारे दर्शन हो जाएंगे आपके बिना घोड़े के, क्योंकि घोड़े सच बता रहा हूँ रास्ते में बहुत ज़्यादा आते हैं, और साथ में जो उनका मलमूत्र होता है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, जो सफाई करते हैं वो जब झाड़ू मारते हैं तो जो उसकी धूल उड़ती है, अरे मैं क्या बताऊँ, मतलब हालत ख़राब आती है उससे। तो इसलिए बिना घोड़े का रास्ता अगर आपको लेना है तो ताराकोट मार्ग एक नया खुला है, और साथ में वहाँ पे आप अपने पैसे भी बचा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लंगर की फैसिलिटी है, तो वहाँ पे आपको निःशुल्क भोजन मिलेगा, मतलब प्रसाद बोल सकते हैं आप। तो ये एक चीज़ और अच्छी है वहाँ पे। और बाकी अगर आपके और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे ब्लॉग्स भी देख सकते हो, 3 पार्ट बनाए मैंने वैष्णो देवी के, उन तीनों में मैंने क्लियर क्लियर जितनी चीज़ें हो सकती थी वो बता दी है। तो ऊपर आई बटन में आपको वो प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिलहाल इस व्यू को अलविदा कह देते हैं और चलते हैं, अभी थोड़ी सी पूजा करनी है, कन्या जवाई होने वाली है। तो आई होप आपको सारी प्रोसीजर समझ में आ गई होगी, जो जो मैंने अम्मी पापा सबने समझाई है। और अब जो प्रसाद हम वैष्णो देवी से ला रखे थे तो वो अभी तक हमने ग्रहण भी नहीं किया है, ना हमने अपने आस पड़ोस में बांटा है, तो हम वो तब बांटते हैं और तब प्रसाद ग्रहण करते हैं जब हम कन्या जमाई करते हैं। पहले कन्या जमाई होगी, उसके बाद प्रसाद को बांटा जाएगा और हम खुद खाएंगे। तो मम्मी ने अभी कन्या जमाई की तैयारी कर ली है, जैसा भोजन बनता है वही बन रखा है, पूरी काले चने और हलवा है, हलवा का हलवा ये रहा। तो मम्मी आप अभी जा रखे हैं कन्या को लेने के लिए, तो बस वो आएंगे फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। उस दिन भी आए थे ना आप लोग, उस दिन जो मैंने आपका वीडियो बनाया था देखा था आपने, देख लिया कैसे लगे? अच्छा, चलो बढ़िया। दे दिया भाई, ये लो ये, कैसे खुश हो रहा ये क्या है? ये चॉकलेट, टेढ़े मेढ़े चॉकलेट। ये हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, आओ इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर, हाँ यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। किसकी है? सारे चॉकलेट खाऊंगा आज ही। किसकी है? किसी दिन मम्मी सारे चॉकलेट पकड़ ली। तुमने वीडियो देखी थी भैया की, जब जिस दिन तुम घर आए थे, देख ली तुमने? हाँ, पर भैया ने जो हाथ में पकड़ लिया होता वो तो दिखाई नहीं मेरे को। 360 कैमरा? हाँ, तो उसी से तो तुम्हारे घर ले गया था मैं, उसी कैमरे को ले गया था तुम्हारे घर। हाँ वही तो है, इनविजिबल कैमरा है, पता नहीं चलता हो। बाद में तुमने सोचा हुआ ना कि ये वीडियो कैसे बनी, आगे से तो कोई बना ही नहीं रहा था। जैसे नवरात्रि के टाइम पे खड़े हुए थे ना, वैसे खड़े हो जाओ उस दिन की तरह। आज के बाद तो जोर जोर से, जोर जोर से, ऐसे जोर से थपेड़ दो एकदम, जोर से, जोर से, जोर जोर से, जोर से, मतलब जोर जोर से, जोर से देना। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक वाला आशीर्वाद मिला मेरे को, अनुकृति ने दिया मेरे को। तो अभी जो कन्याएं थी उनको हमने भोजन करा दिया है, हमारे शिव पार्वती भोजन ग्रहण करेंगे,
है पार्वती माँ। और तू नहीं करेगा गणेश? गणेश भी करेंगे, गणेश भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन गणेश आजकल थोड़ा डाइटिंग में है। फालतू की बातें मत कर, सुबह से कुछ नहीं खा रखा। खा रखा है मैंने, बिल्कुल खा रखा है मेरी पार्वती माँ। दादा मत कर। पार्वती माँ मैं कह रही खाना खाओ फटाफट से। बोले खा लिया आपने? बोले चलो बढ़िया। और जो पालकी होती है उसमें 1000-1500 पहले था, ये आपका पता पालकी नहीं, नहीं यार, पालकी कहाँ है वो? पालकी क्या बोलते हैं उसको? पालकी 1000 रुपए? पालकी नहीं यार, प्रेम की बोल रही हूँ मैं। तूने पालकी बोलो। पालकी है? तो मम्मी पापा की बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन इस व्लॉग को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। तो प्लीज लाइक करें इस व्लॉग को, और साथ ही साथ इसको शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले बढ़िया से किसी ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल।